एक बार की बात है, एक दिन श्वेता पुलिस को कॉल करके बताती है कि मेरे हस्बैंड विकास की डेथ हो गई है। वो कल ऑफिस गए थे, लेकिन फिर वो ऑफिस से वापस घर अभी तक नहीं आए। मैंने पूरी नाइट उनका वेट किया और फिर सुबह मैंने देखा कि मेरे घर के बाहर उनकी डेड बॉडी थी। यह सुनते ही पुलिस तुरंत क्राइम सीन पर पहुंचती है। पुलिस को तीन लोगों पर शक होता है और उन्हीं से पुलिस पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले रोहन, जो कि श्वेता का नेबर है, वो पुलिस को बताता है कि श्वेता जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर मैं उठा और फिर मैंने यहाँ आकर देखा तो श्वेता अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के पास रो रही थी। फिर पुलिस टीना से पूछती है, टीना भी श्वेता की नेबर है। वो पुलिस को बताती है कि मैं नाइट में क्लब से लेट आई थी और फिर उसके बाद मैं सो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं सुना। फिर पुलिस श्वेता से पूछती है, श्वेता पुलिस को बताती है कि मैं बहुत टेंशन में थी, मैं सुबह 4 बजे तक सोई नहीं थी। मैं कुछ देर के लिए सोई थी और फिर उठकर मैं विकास को ढूंढने लग गई थी। फिर मैंने देखा कि उनकी डेड बॉडी मेरे घर के सामने ही है। दोस्तों, कौन झूठ बोल रहा है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। जब श्वेता ने पुलिस को कॉल किया था तब वो बोल रही थी कि वो पूरी नाइट नहीं सोई थी, लेकिन अब वो बोल रही है कि वो कुछ देर के लिए सोई थी, मतलब वो झूठ बोल रही है। श्वेता ने ही अपने हस्बैंड विकास को मारा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। इस पिक्चर में बंदर कितने हैं? इसमें 2 बंदर हैं, एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। रोहित, जो कि जेल में एक गार्ड है, उसे एक नोट मिलता है। वो नोट सारे कैदी आपस में उस दिन शेयर कर रहे थे। वो नोट एक कोडेड फॉर्म में था। रोहित उस कोड को समझ नहीं पा रहा था। फिर रोहित वो नोट वहां जेल के वार्डन को दिखाता है, लेकिन वो वार्डन को भी कुछ समझ नहीं आया। इसी वजह से उस रात कैदियों को भागने से कोई नहीं रोक पाया। ये देखिए वो नोट। दोस्तों, क्या आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या कोड लिखा हुआ है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए कोड है, जेल ब्रेक एट 2 AM। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। ये पक्षी कौन से रास्ते से बाहर निकल सकेगा? इसका आंसर है, दूसरे वाले रास्ते से बाहर निकल सकेगा। चलिए अगली पहेली देखते हैं। पिंकी और रोहित दोनों बहुत ही फेमस वाटर स्काइयर्स हैं। वो दोनों ज़्यादातर अपने हॉलीडे सी पर बिताते हैं, लेकिन इस साल दोनों ने स्कीइंग करने का डिसाइड किया। जिस दिन वो दोनों गए थे, उस दिन रोहित का बर्थडे था। उन दोनों ने किसी को नहीं बताया था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, और जाने से पहले उन दोनों ने अपना नेम भी चेंज कर लिया था, और वो दोनों फिर माउंटेन पर चले गए। फिर अगले दिन वो दोनों मरे हुए मिलते हैं। तभी थोड़ी देर में पुलिस भी वहां जाती है। पुलिस कार की चेकिंग करती है और उसमें पुलिस को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। रोहित के लिए आपके सामने ये 4 गिफ्ट्स हैं, जो कि रोहित को मिली हैं। दोस्तों, आपको इन 4 गिफ्ट्स को ध्यान से देखकर बताना है कि किस गिफ्ट पर डाउट होता है।
चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, शोभित का गिफ्ट एक कैप है, मतलब उसे पता लग गया था कि रोहित और पिंकी कहीं माउंटेन पर जाएंगे, तभी उसने एक कैप रोहित को गिफ्ट की थी। लेकिन रोहित और पिंकी ने तो इस टूर के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, तो मतलब शोभित ने ही इन दोनों को मारा है, वो इन दोनों को फॉलो कर रहा था। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने दो पिक्चर्स है, आपको इन्हें ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों में कितने डिफरेंस है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसमें टोटल चार डिफरेंस है। पहला, लोमड़ी की एक आंख बंद है। दूसरा, हिरण के ऊपर सफेद धब्बे नहीं है। तीसरा, इस जानवर के सींग नहीं है। और चौथा, इस वाले जानवर के कांटे नहीं हैं। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से देखकर बताना है कि इसमें कितने डिफरेंस हैं। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। इसमें टोटल तीन डिफरेंसेस हैं। पहला, बीच वाली लड़की के हाथ में पिज्जा नहीं है। दूसरा, इस बच्चे के ट्राउजर का कलर अलग है। और तीसरा, इस ग्लास को देखिए। चलिए अब बताइए मेंढक की करेक्ट शैडो कौन सी है। चलिए आंसर देखते हैं, ये डी वाली करेक्ट शैडो है। चलिए अब बताइए बंदर की करेक्ट शैडो कौन सी है। इसका सही जवाब है बी वाला। चलिए अब बताइए इसमें एट कहाँ है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं, ये रहा यहाँ पर। चलिए अब बताइए इसमें एफ कहाँ है। ये देखिए, ये रहा यहाँ पर। चलिए अब बताइए इसमें मिस्टेक कहाँ है। मिस्टेक है ये। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियां, मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।